गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई एम आमिर खान, फैकल्टी ऑफ साइंस फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। टुडे आई विल टीच केमिस्ट्री फॉर क्लास 9th एंड माय टॉपिक इज चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। आज हम लोग पढ़ेंगे चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। एक्चुअली मैटर जो अपना स्टेट चेंज करता है, मतलब अपना स्टेट जो बदलता है, मतलब सॉलिड से लिक्विड बन जाना, लिक्विड से गैस, या सॉलिड से गैस, या गैस से लिक्विड, इसी चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर को हम लोग पढ़ेंगे। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा है और लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो लिक्विड गैस में कन्वर्ट कर रहा है और गैस लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा है, ओके। और यहाँ पर एक नया चीज आपको देखने को मिलेगा, सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर रहा है और गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये जो चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर है, आज हम लोगों को इसी को पढ़ना है, ठीक है। देखिए काम की बात मैं आपको बता दूं, जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट करता है तो उसको कहते हैं मेल्टिंग। क्या बोलेंगे? मेल्टिंग। क्लियर हुआ? तो जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट करता है तो उसे हम लोग कहते हैं मेल्टिंग, मेल्टिंग या नहीं तो फ्यूजन। मेल्टिंग और फ्यूजन, FUSION, फ्यूजन, ठीक है। जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट करता है तो एज यू नो वेरी वेल उसको फ्रीजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रीजिंग। आप पानी से भरे हुए बोतल को अपने फ्रीजर में डाल दो, फ्रिज के, तो 4-5 घंटे के बाद वो आइस में कन्वर्ट कर जाएगा। इट मीन्स लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट किया, उसको कहते हैं फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। तो मैं यहाँ पे एक टर्म लिख दे रहा हूं, सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन भी कहेंगे और फ्रीजिंग भी कहेंगे जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट करेगा, ओके। जब कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट करता है तो उसको हम लोग कहते हैं वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन, क्योंकि उसमें लिक्विड वेपर में कन्वर्ट कर रहा है, इसलिए वेपोराइजेशन कहेंगे उसे। आई होप आपने सभी चीजों को नोट किया होगा। फिर आप यहां पर देख सकते हो कि जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट करता है तो उसे हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन। क्या कहेंगे? कंडेंसेशन। क्लियर हुआ? जब कोई गैस लिक्विड में कन्वर्ट करता है तो उसे हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन। क्लियर है? अब आते हैं लेफ्ट साइड में। जब सॉलिड गैस में कन्वर्ट करता है, व्हेन अ सॉलिड इज कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू अ वेपर, इट मींस गैस, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? उस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे सब्लिमेशन। क्या कहेंगे? सब्लिमेशन। क्लियर हुआ? क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। और जब गैस सॉलिड में कन्वर्ट करता है वो भी एक्चुअली सब्लिमेशन ही कहलाएगा। क्या क्या कहलाएगा? सब्लिमेशन। लेकिन यहां पर एक टर्म है, मैं आपको बता दूं, एक होता है सबलाइम, एक होता है सब्लिमेट। एक्चुअली मैं आपको यहाँ पे क्लियर करके बता दूं, सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर जाए हीट करने पर, या कोई गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट कर जाए कूल करने पर, तो उसी प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर दो टर्म मिलेगा, एक सबलाइम मिलेगा, एक सब्लिमेट मिलेगा, जिसका मैं चर्चा आगे करूंगा। अभी फिलहाल आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ओके, तो आपने पॉज करके नोट किया होगा, तो चलिए सब फर्स्ट टर्म पढ़ते हैं, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? मेल्टिंग कहते हैं। तो व्हाट इज मेल्टिंग? एक्चुअली मेल्टिंग इज अ प्रोसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल मेल्टिंग इज अ प्रोसेस इन विच अ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड, ठीक है। एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट कर जाता है ऑन हीटिंग, जब उसको हीट किया जाता है तब। एक्चुअली हीट करने पे ऐसा क्या होता है, तो जैसे मान के चलिए ये सॉलिड होता है, एज वी नो दैट द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर टाइटली पैक्ड। जहां तक बात है सॉलिड का, तो जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो तो टाइटली पैक्ड होते हैं। तो ये हो गया आपको क्या? सॉलिड। और सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं? टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग इसको हीट करते हैं, जब सॉलिड को हीट किया जाता है, तो आपको ये बात पता होगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सॉलिड का पार्टिकल होता है वो आपको लार्ज अमाउंट ऑफ, या आप ऐसा कह सकते हैं हाई रेट ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्टेड होता है। मतलब सॉलिड का जो पार्टिकल, जैसे मान के लिए पार्टिकल ए है, पार्टिकल बी, पार्टिकल सी, पार्टिकल डी, तो ये जितना भी पार्टिकल है एबीसीडी, एबीसीडी ई एफ जी एच, ये जितना ही पार्टिकल ए से लेकर के एच तक, ये सभी के सभी पार्टिकल स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए, एक टाइट, एक स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स है जो पार्टिकल्स को कस के पकड़े हुआ है।
बट एक्चुअली होता है क्या, जब हम लोग हीट देते हैं, एनर्जी देते हैं, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटता है। तो जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटता है तो अब पार्टिकल एक दूसरे को कस के नहीं पकड़ेगा, तो सभी पार्टिकल एक दूसरे से हटने लगेंगे। तो अब सिचुएशन कुछ ऐसा हो जाएगा, ए बी सी डी, ये पार्टिकल ए, ये बी, ये सी, ये डी, आई होप आपको दिख रहा होगा। चलिए मैं यहां पर बनाता हूं पार्टिकल ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी। अब देखो, अब ए बी सी डी के बीच में स्पेस क्या हो गया, बढ़ गया। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, घट गया। मैंने बताया था जब फोर्स जब ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करता है तो डिस्टेंस बढ़ जाता है। तो जैसे मैंने हीट दिया ना, तो पार्टिकल जो अभी तक कस के पकड़े हुआ था, अब वो पार्टिकल धीरे धीरे एक दूसरे को छोड़ने लगता है और पार्टिकल धीरे धीरे दूर जाने लगता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पार्टिकल अगर धीरे धीरे दूर जाएगा तो सॉलिड धीरे धीरे कन्वर्ट करने लगेगा, किस में, लिक्विड में। समझ में आया? तो बेसिकली क्या हुआ, हीट करने पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड का वीक होता है और वो टूटने लगता है और पार्टिकल थोड़ा थोड़ा दूर जाने लगता है सॉलिड का। यही वजह है कि सॉलिड कन्वर्ट कर जाता है किस में, लिक्विड में। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मेल्टिंग और फ्यूजन। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टर्म के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद।